प्याज टमाटर ने फिर बिगाड़ा रसोई का बजट। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। शादियों का सीजन शुरू होने के साथ ही सब्जियों के दाम में उछाल आना शुरू हो गया है। 15 दिन से प्याज जहां 70 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेची जा रही है, वहीं टमाटर भी 7 रुपये प्रति किलोग्राम के दाम पर हैं। वहीं अब अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। बाजार में इन दिनों प्याज के दाम 70 रुपये प्रति किलो पर हैं, जबकि अब से 15 दिन पूर्व यही प्याज 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिक रही थी। प्याज रसोइयों की सबसे महत्वपूर्ण सब्जियों में से एक बन चुकी है। अधिकांश रसोइयों में प्याज के बिना भोजन पकाना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में प्याज की बेलगाम होती जा रही कीमतों से रसोई में पकने वाले भोजन का स्वाद कम होने लगा है, तो वहीं सलाद में शामिल होने वाली प्याज भी सलाद से गायब नज़र आने लगी है। कुछ यही हाल टमाटर का भी है। दाल फ्राई से लेकर आलू टमाटर की सब्जी तक, सभी में टमाटर की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में आए दिन टमाटर के दाम ऊपर से नीचे होने से गृहिणियों को काफ़ी दिक्कतों से होकर गुजरना पड़ रहा है, जबकि टमाटर के दाम आए दिन कम या ज़्यादा होते रहते हैं। एक सप्ताह पूर्व टमाटर 20 से 30 रुपये प्रति किलो था, अब 60 रुपये के दाम पर बेचा जा रहा है। ऐसे में भोजन का स्वाद ही नहीं, गृहिणियों के लिए रसोई का बजट भी बनाए रखना कठिन हो रहा है। विवाह का सीजन शुरू होने के साथ ही सब्जियों के दाम में अचानक बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। आप लोगों का सब्जियों के बढ़ते दामों को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें हापुड़ हलचल।